नमस्कार दोस्तों चलिए आज हम जानेंगे कि राशन कार्ड को पी कार्ड में कैसे डाउनलोड करें जी दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप अब उसे आधार कार्ड वोटर आई कार्ड या पैन कार्ड की तरह उसे पी कार्ड में जो कि डाउनलोड कर सकते हैं और हम आपको डाउनलोड करके भी दिखाएंगे कि कैसे आप अपना राशन कार्ड को पी कार्ड में डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि पी कार्ड में इसलिए अब डाउनलोड होना जो कि स्टार्ट हो चुका है कि अब आप कहीं भी जाते हैं और कहीं भी तो अब आपको राशन कार्ड ले जाने की ज़रूरत नहीं है अब आप पी कार्ड ही ले जाकर कहीं भी कहीं भी इंडिया के बाहर इंडिया के कहीं भी राज्य में आप जो कि राशन ले सकते हैं पहले क्या होता था कि आप जहाँ के आप डीलर का नाम दिया है आपका राशन कार्ड है वहीं आपको जो कि राशन दिया जाता था बट अब ऐसा नहीं है आप कहीं के भी रहने वाले हैं गांव के भी हैं तो आप शहर में ले सकते हैं अगर आप बिहार के हैं तो उत्तर प्रदेश में ले सकते हैं क्योंकि ये हो गया है सभी अनिवार्य हो गया है वन रा, वन राशन कार्ड जो कि वन राशन कार्ड हर मतलब हर जगह के लिए यानी आपका एक राशन कार्ड अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में भी राशन कार्ड ले सकते हैं राशन ले सकते हैं अब उठा सकते हैं कोई भी आपका व्यक्ति फिंगर लगाकर ऑनलाइन जो कि सिस्टम कर दिया गया तो कैसे पी हम जो कि राशन कार्ड डाउनलोड करेंगे इस पर हम क्लिक कर देंगे और उसके बाद हमें लिखना है एन एन, एन एफ एस सी तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं एन, एन, एन एफ ऐसे आपको इतना लिख कर सर्च कर देना है ही सर्च करते हैं तो ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट आ जाती है आप देख सकते हैं आपको ये लोगो देख लेना है भारत सरकार का आपको यहाँ लोगो मिल जाती है ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आपको क्लिक कर देना है तो चलिए हम यहाँ क्लिक कर देते हैं जिसे क्लिक करते हैं तो हमें क्या होता है न्यू ऑफिशियल जो कि पेज खुल कर आ जाता है और हमें जिसे इस तरह का आता है आपको बहुत सारे जो कि इंटरफेस दिख जाता है दिखने के बाद आपको क्या करना होगा यहाँ एक आपको थ्री डॉट दिखता होगा आप जरा वीडियो ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा भी अगर हम मिस्टेक करते हैं तो आप पी आधार कार्ड सॉरी पी राशन कार्ड नहीं डाउनलोड कर पाइएगा तो पी राशन कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना होगा जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ थ्री डॉट का एक ऑप्शन मिलती है तो आपको देखिए यहाँ मिल जाती है जैसे आप आते हैं राशन कार्ड राशन कार्ड आपको यहाँ मिल जाती है तो आपको क्या करना होगा राशन कार्ड वाले पर क्लिक कर देना होगा जिस क्लिक करते हैं तो आपको दो ऑप्शन यहाँ देखने के लिए मिल जाती है जैसे व्यू राशन कार्ड डाउनलोड उसके बाद आपको नीचे मिलती है राशन कार्ड डिटेल्स ऑन स्टेट पोर्टल तो आपको नीचे वाले पर क्लिक कर देना होगा तो चलिए हम नीचे वाले पर क्लिक कर देते हैं जिससे क्लिक करते हैं तो अब यहाँ आपका बारी है राज्य सेलेक्ट करने के लिए आप किस राज्य से हैं किस राज्य से बिलोंग करते हैं जैसे देखिए आंध्र प्रदेश असम छत्तीसगढ़ दिल्ली हरियाणा झारखंड लख लखनऊ मणिपुर नागालैंड पंजाब तमिलनाडु उत्तर उत्तर प्रदेश दर तरह गोवा हिमाचल प्रदेश उसके बाद आपको कर्नाटक मध्यपुर मेघालय उड़ीसा राजस्थान तेलंगाना उत्तर प्रदेश उसके बाद आपको बिहार मिल जाती है तो हम बिहार के रहने वाले हैं तो हम बिहार वाले पर क्लिक कर देंगे तो चलिए हम यहाँ क्लिक कर देते हैं उसके बाद आपको क्या करना होगा ओके हा? वाले पर क्लिक कर देना होगा ओके okay, पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपका अगला नेक्स्ट पेज खुलकर आ जाता है जैसे ही आता है तो अब यहाँ आपको क्या करना होगा यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना होगा कि किस जिला से आप बिलोंग करते हैं अगर बिहार से हैं तो कौन सी जिला से आप हैं अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो कौन सी आप ज़िला में रहते हैं तो आपको यहाँ जिला सेलेक्ट करना है तो चलिए हम अपना जिला सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आपको शो वाले ऑप्शन एक मिलती है शो वाले एक बटन आपको इसी पर क्लिक कर देना होगा जिसे क्लिक करते हैं तो आप किस तरह से जो कि आप यहाँ आपको मिल जाती है दो तरह ऑप्शन मिल जाते हैं रूरल उतर अर्बन रूरल अर्बन मिल जाती है तो अगर रूरल आप हैं तो आप गांव से हैं अगर उर्बन हैं तो आप शहर से हैं तो चलिए हम यहाँ गांव वाले पर क्लिक करेंगे क्योंकि हम गांव से हैं उसके बाद यहाँ आपको ब्लॉक चूज करना है कि आपका कौन सी ब्लॉक है तो चलिए हम अपना ब्लॉक यहाँ चूज कर लेते हैं सिंपल ऑफ चुनने चूज करने के बाद आपको पंचायत चूज करना होगा क्योंकि हम लोग को पंचायत दिया जाता है गाँव में और आपको शहर में नगर परिषद नगर पालिका ये सब दिया रहता है उसके बाद हम यहाँ पंचायत चूज कर लेंगे उसके बाद विलेज चूज कर लेंगे हम अपना गांव चूज कर लेंगे कि कौन सी हम से हम गांव से हैं उसके बाद ये हमारा फाइनली देखिए राशन कार्ड का पी आ चुका है ये आपको राशन कार्ड नंबर है उसके बाद ये आपको शारदा देवी दिनेश शाह ये आपका नेम मिल जाती है आपको इस पर आपको क्लिक कर देना होगा तो देखिए फाइनली ये आप पी में आप इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं आप देख सकते हैं कैसा है ये उनका फ़ोटो ये जितने उनका परिवार है उनका उनका फ़ोटो आ जाती है उसके बाद यहाँ आपको मोबाइल नंबर देखने के लिए मिल जाती है जो कि लास्ट का चार डिजिटल आपको देखने के लिए मिल जाती है उसके बाद यहाँ आपका आधार राशन संख्या मिल जाती है यहाँ उनका पूरे परिवार का नाम पिता का नाम एज मिल जाती है आपको इस तरह से तो अब चलिए इसको पी में कैसे डाउनलोड किया जाता है हम आपको दिखाते हैं तो डाउनलोड करने के लिए हमें क्या करना होगा तो इस पर हम क्लिक कर देंगे पेज वाले प्रिंट पर उसके बाद हमारा यहाँ फाइनली आ चुका है और यहाँ से अब आप सेव कर सकते हैं या तो आप यहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और इसे पी कार्ड में आप अप्लाई करके और इसे निकाल भी सकते हैं तो इसी तरह हमारी देश जानकारी अच्छी लगी तो ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक बाय बाय